वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 27th लेक्चर है। इसमें सबसे पहले है हमारे सामने प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ जो सेल के लिए ऑफर करती है एक ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन सेल के लिए ऑफर करे उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और प्रोडक्ट टेंजिबल भी होती है, इंटेंजिबल भी होती है। टेंजिबल से मुराद वो जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल से मुराद ऐसी प्रोडक्ट जिसको हम देख नहीं सकते, इनके सर्विसेज वगैरह जो होती हैं। अच्छा, बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेसिक फीचर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, बुनियादी फीचर्स होते हैं किसी प्रोडक्ट में, उसको हम बेनिफिट्स कहते हैं। और हर एक प्रोडक्ट के अंदर सेट ऑफ फीचर्स होते हैं टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ, यानी कि वो कई सारे फीचर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो उसकी एक आइडेंटिफाई होती है, आइडेंटिफिकेशन बन जाती है, यानी पहचान बन जाती है उस प्रोडक्ट की। क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोडक्ट अगर हम करते हैं, क्लासीफाई करते हैं अगर प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट जो है वो कई सारी तरीकों से क्लासिफाइड होती है, लेकिन जो मेनली डिवाइड की जाती है वो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तो वो होती हैं जो कंज्यूम हो जाती हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो होती हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। तो अब हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो पहली कैटेगरी है वो है कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स क्या होते हैं? जो कंज्यूमर ईजिली ख़रीद लेता है, रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे ब्रेड है, या इस तरह और भी जितनी ग्रोसरी आइटम्स हैं, तो ये तमाम जो है वो कंज्यूमर कन्वीनियंस गुड में आता है। कंज्यूमर गुड्स की ही कैटेगरी है ये, कन्वीनियंस गुड इसको कहा जाता है। और कस्टमर को इसके बारे में कम्प्लीटली अवेयरनेस होती है प्रोडक्ट के बारे में, जारी बात है। और जारी बात है कस्टमर इनको फ्रिक्वेंटली ख़रीदता है, रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं इस्तेमाल की है, तो इनको कहते हैं हम कन्वीनियंस गुड्स। दूसरा होता है शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स ऐसे होते हैं जो रोज़मर्रा नहीं ख़रीदे जाते, जिसके अंदर कस्टमर जो है वो मुख्तलिफ स्टोर्स में जाके प्राइजेस, क्वालिटी वगैरह चेक करता है प्रोडक्ट्स की, जैसे कि कपड़े हैं, तो उसको हम कहते हैं शॉपिंग गुड्स। रोज़ाना कस्टमर नहीं ख़रीदता इन प्रोडक्ट्स को, और जाहिर बात है इनको ख़रीदना कन्वीनियंस गुड के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब तीसरा है स्पेशलिटी गुड। अब स्पेशलिटी गुड में क्या होता है कि कस्टमर की जो है वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी अटैच होती है इन गुड्स के साथ। ये ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जैसे कि कोई भी व्हीकल है, कोई भी गाड़ी है, या कोई फ़ोन है, उसमें जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी लोगों की जो है वो अटैच होती है इस प्रोडक्ट्स के साथ, इन इस तरह के गुड्स के साथ। अच्छा, अब है इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स वो होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जो कस्टमर यूज़ नहीं करते बल्कि वो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। एक तरह से आप ये समझ लें कि ये होम यूज़ होने वाली चीज़ें नहीं होती, या घरेलू इस्तेमाल की चीज़ नहीं होती। तो ऐसे गुड्स जो इंडस्ट्री में यूज़ हो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल यूज्ड। कैटेगरीज़ क्या हैं इसकी भी? कैपिटल आइटम्स होते हैं और एक्सपेंस आइटम्स होते हैं। कैपिटल आइटम्स ये वो होते हैं जो कि लॉन्ग लाइफ होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं। ये कॉपीराइट भी कभी कभार जो है वो ज़रूरी पड़ता है इनको ख़रीदने के लिए, और ये कैपिटल गुड्स भी होते हैं। और एक्सपेंस आइटम कौन से होते हैं? ये रॉ मटेरियल होते हैं और कुछ यूटिलिटी आइटम्स होते हैं, जैसे कि ऑयल है, ग्रीस है, या कुछ टूल्स वगैरह भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट मिक्स क्या है? प्रोडक्ट्स मिक्स का मतलब है कि तमाम वो प्रोडक्ट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन सेल के लिए ऑफ़र करती है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो ऑफ़र कर रही है सेल के लिए, उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट लाइन क्या है? प्रोडक्ट लाइन का मतलब है कि ऐसी तमाम प्रोडक्ट जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी शैम्पू भी से ऑफ़र करती है, सेल करती है, साथ में जेल भी करती है, तो ये दोनों प्रोडक्ट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक दूसरे से बिल्कुल सेम तो नहीं है, ज़ाहिर बात है शैम्पू एक अलग प्रोडक्ट है और जेल अलग है, लेकिन दोनों हेयर के लिए हैं, तो आपस में एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं ये प्रोडक्ट, तो ये एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर फॉल करेंगे। अच्छा, अब स्टेप्स क्या हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि अनसेटिस्फाइड नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन सी नीड है जो अनसेटिस्फाइड है। जब प्रोडक्ट बनेगी तो पहले अनसेटिस्फाइड नीड को देखा जाएगा, फिर आइडिया की जनरेशन की जाती है कि आइडियाज़ लाए जाते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, फिर आइडिया की स्क्रीनिंग की जाती है, यानी कि इवेल्यूशन की जाती है, एग्जामिनेशन की जाती है उस आइडिया की, कितना बेटर है या नहीं है। फिर प्रोटोटाइप बनाया जाता है, यानी कि एक तरह की एक मॉडल बना लिया जाता है प्रोडक्ट डिज़ाइन करने से पहले, ताकि उस पर टेस्टिंग की जा सके। फिर जब वो मॉडल बन जाता है तो उसके ऊपर प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है। तो टेस्टिंग करने के लिए भी दो टाइप्स होती हैं, एक लेबॉरेटरी में टेस्ट किया जाता है और एक मार्केट टेस्ट, या जिसको टेस्ट मार्केटिंग कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो ट्रायल बेसिस के ऊपर से सोल्ड की जाती है, यानी कि मार्केट के अंदर ही टेस्ट की जा रही होती है प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट जो है वो उसका जो है क्या रिजल्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा। उसके बाद क्या होता है, कमर्शलाइजेशन कर दी जाती है जब टेस्टिंग भी हो गई, तो प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड हो जाती है कमर्शियल बेसिस के ऊपर, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मास मार्केटिंग।
तो ये था आज का लेसन नंबर 27। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।